भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा, कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ गई है देश में। जगह जगह कोरोना ने अपने पैर पसारना फिर से शुरू कर दिया है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी असावधानी से, थोड़ी सी लापरवाही से पिछले साल के मई जून जैसा वातावरण हमारे देश में निर्मित हो जाए। कई जगह लॉकडाउन लग रहे हैं, रात्रि कर्फ्यू चालू हो गए हैं, महाराष्ट्र विशेष तरह से प्रभावित है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ, बड़े निवेदन के साथ, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। मास्क नहीं लगाएंगे तो यह बीमारी बढ़ते जाएगी। इतना ही मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग अपने जीवन की कीमत समझें। जीवन है तो सब कुछ है, हम है तो सब कुछ है। बड़ा अफसोस है मुझे कि पिछले बार हमने बड़े बड़े साधु संतों को खो दिया है कोरोना के इस काल में, बड़े बड़े मनीषियों को हमने खो दिया है कोरोना के इस काल में, श्रावक के वह श्रावक रत्न हमने खो दिए हैं जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना के लिए बहुत कुछ किया था। 2020 और 21 में बहुत से रत्न हमारे खो चुके हैं। कोरोना से सावधान रहना है हमें, जीवन को बचाना है, अपनी जिंदगी को बचाना है। दो गज दूरी जरूर रखें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज होने का प्रयास करें। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है इस महामारी को रोकने का। अभी थोड़ी सी लापरवाही हुई, लोग खुलेआम सड़कों पर आकर घूमने लगे, लोग बाजारों में भीड़ इकट्ठा करने लगे, लोग मॉल में भीड़ इकट्ठा करने लगे, धार्मिक कार्यक्रम बड़े जोरों तोरों से होने लगे, बस उसका दुष्परिणाम दूसरी लहर ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया है हमारे देश में। सावधान हो जाइए, अपने आप को सावचेत रखिए, अपना विशेष ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी का ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं जिन शरणम तीर्थ में हूं, कोरोना की वजह से ही मैं समाज के सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं जिन शरणम में आया हूं। यहां पर तीर्थ का निर्माण हो रहा है, अपनी तीव्र गति से तीर्थ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी यह तीर्थ समाज के लिए लोकार्पण किया जाएगा। सृष्टि वर्ग अपना दान दे रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में हमारे भक्तगण, वो जिन शासन के प्रभावक श्रावक गण इस विषम परिस्थिति में भी जिन शरणम तीर्थ की सहायता कर रहे हैं और तीर्थ को पूर्णता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता हूं और सभी समाज को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जिन शासन के प्रभावकों को मैं अपनी भावनाएं प्रदान करता हूं, ऐसे ही वह प्रभावना करते रहें। यह जिन शरणम तीर्थ शीघ्र ही बनेगा, मैं यहीं पर हूं। कोरोना की वजह से मैं समाज के बीच नहीं जा रहा हूं, इसी वजह से, क्योंकि मैं जाऊंगा तो धार्मिक सभाएं होंगी, लोग एकत्रित होंगे और लोग एकत्रित होंगे कोरोना की बीमारी बढ़ेगी। कोरोना से बहुत सावधान रहिए, अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए। मैं संत हूं, मैं मास्क नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन मैं समाज से दूर हूं, पर समूह से दूर हूं। आपसे निवेदन है, आप सबके बीच रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, ना जाने कितने लोगों से आपका मिलना है, अपने जीवन को बचा करके रखिए।